ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइज। तो मैं आज आ गई हूँ फिर से एक रीडिंग लेकर आप सबके लिए। और आज का जो रीडिंग है वो रिक्वेस्टेड टॉपिक पर है। मुझे एक कमेंट आया था कि मैम एक रीडिंग कीजिए इस टॉपिक पर, कि क्या वो हमें किसी और के साथ देख कर जेलस फील करते हैं। बहुत ही क्यूट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे गाइज ये। और मैं खुद भी देखना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है, जो भले ही अभी बहुत ज़्यादा ईगो में हैं, भाव खा रहे हैं, है ना, आपसे दूर है ना, पर आपको अगर वो किसी और के साथ देख लेते हैं तो क्या उनको जलन होती है। जी हाँ, जलसी का मतलब यही होता है, जलन। क्या वो जलते हैं, जल भुनकर कोयला हो जाते हैं, या फिर या फिर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी और के साथ रहो। ओके, तो इसे देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने दो पायल रखे, देख लीजिए गाइस। ये है पायल नंबर 1, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और ये है पायल नंबर 2, जस्टिस। अच्छे से पायल देख लीजिए गाइस और एक चूज कर लीजिए। दिल पर हाथ रखिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, पॉजिटिव रहिए। ओके, दिल में कोई भी बोझ नहीं रखना है, बिल्कुल आसानी से चूज कर लीजिए एक। और हम स्टार्ट करेंगे पायल नंबर 1 की रीडिंग से। गाइस, आई होप आपने चूज कर ली है। इसे मैं हटा देती हूँ यहाँ से। इतने कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं भाई, उछल उछल कर। चलिए गाइस, मैंने कर ली है कार्ड्स की शफलिंग। अब यहाँ से निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं कैसा रिएक्ट करते हैं वो, करेंगे या करते हैं आपको किसी और के साथ देख लेंगे तो। ओह माय गॉड, बढ़िया। कभी कभी कोई टॉपिक ऐसा होता है ना गाइस और ये कार्ड निकलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। ओह माय गॉड, डेविल, ये क्या बात हो गई पाइल नंबर 1। अच्छा, बहुत बढ़िया पेज। वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया पाइल नंबर 1, मजा आ गया। नाइन ऑफ कप। जैसा टॉपिक वैसे ही कार्ड्स निकल रहे हैं। एट ऑफ वैंड्स। एट ऑफ पैंटिकल्स। डेथ। टावर। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फोर ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग गाइस। यहाँ पर कुछ साइन और एलिमेंट बता दूं पहले आपको। यहाँ पर सबसे ज्यादा साइन आया है फायर साइन है गाइस, लियो, सैजिटेरियस और एरिस, यानी कि सिंह, धनु और मेष राशि। यहाँ पर उसके बाद एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। और कुछ लोगों के लिए यहाँ अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, सबसे ज्यादा यहाँ पर एयर साइन और फायर साइन आया है। ओके गाइस, तो गाइस देखिए यहाँ पर आज का जो हमारा सवाल है कि क्या आपके वो है ना वो, हाँ, क्या वो आपको किसी और के साथ देखकर जेलस फील करते हैं, जलते हैं, ये है हमारे आज का रीडिंग का टॉपिक, है ना। तो इस टॉपिक को देखकर और इन कार्ड्स को देखकर मुझे एक शायरी बहुत ही आ रही है, मेरे मुंह में आ रही है, निकल नहीं रही है गाइस, पर मैं सुना देती हूँ आपको। ओके, सुनिए।
बहुत ध्यान से सुनिए, ओके? ये आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए है, सुनिए। मत करो मेरे पीठ के पीछे बात, मत करो मेरे पीठ के पीछे बात, जाकर कोने में। मत करो मेरे पीठ के पीछे बात, जाकर कोने में, वरना पूरी जिंदगी गुजर जाएगी रोने में, रोने में, रोने में। तो यही चल रहा है आपके पर्सन के सीने में, जब वो देखते हैं कि किसी और के साथ आप बात करते हो तो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करते हैं, ओके? जैसे कि यहाँ पर पहला कार्ड मैंने निकाला था थ्री ऑफ सोर्ड्स का, तो देखिए वो कितना हर्ट होते हैं जब भी वो आपको किसी और की तरफ जाते हुए देखते हैं, या किसी और के साथ बात करते हुए जब उन्हें नज़र आता है, या किसी फ्रेंड्स के थ्रू से आपके बारे में वो पूछते हैं, है ना, और उन्हें पता चलता है कि आप किसी और फ्रेंड के साथ क्लोज हो रहे हो, या किसी और के साथ आपको अचानक देख लेते हैं सोशल साइट्स वगैरह पर, अगर आप कुछ पोस्ट कर देते हो, तो वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं और बहुत ज़्यादा उनको हर्ट होता है, ओके? हर्ट होता है, दर्द होता है उनको। यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स ने इस बात को दिखा दिया है कि उनके सीने में जैसे तलवारें चलने लगती हैं जब वो किसी के साथ आपको देखते हैं, ओके? दर्द में होते हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें पसंद नहीं आता कि आप किसी और के साथ रहो या किसी और के साथ बात करो। यहाँ पर देखिए वो आपकी बहुत ज़्यादा निगरानी करते हैं, आपको देखते हैं, आपको चेक करते रहते हैं सोशल साइट्स के थ्रू, है ना, कि आप किसी से बात करते हो या नहीं, आप किसी और के साथ डेट कर रहे हो या नहीं, है ना। तो पूरी की पूरी आपकी जानकारी, आपकी कुंडली इन्होंने रख रखी है संभाल के अपने पास। भले ही आप लोग अभी ब्रेकअप पर हो, यहाँ पर ब्रेकअप का कार्ड आ चुका है ना, आप लोग ब्रेकअप पर हो दोनों ही, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी आई है ना, कुछ कुछ तो टूटा है यहाँ पर, कुछ रिश्ता टूटा है यहाँ पर आप दोनों के बीच में। अगर रिश्ता नहीं भी टूटा है तो कुछ खटास चल रही है, ऐसा लग रहा है ना गाइस, बॉटम ऑफ द डेक में ही आया है। पर इन्हें ये नहीं लगता कि रिश्ता चाहे टूटे, है ना, चाहे वो आपसे अलग हो, आप उनसे थोड़े दूर हो, है ना, पर इन्हें लगता है कि आपको किसी और के साथ बात नहीं करनी चाहिए, आपको किसी और के साथ क्लोज नहीं होना चाहिए, किसी और के साथ चैट नहीं करनी चाहिए। इनको ऐसी फीलिंग्स आती है गाइज, वरना कोई इंसान क्यों आपको इतना सोशल साइट्स पर आपको एक टक लगा कर, है ना, आपकी जासूसी क्यों करेगा वो इंसान। कोई ना कोई तो कारण होता है ना। यहाँ पर देखिए एट ऑफ जो वैंड्स आया है यहाँ पर, ये दिखाता है कि कम्युनिकेशन को होना या फिर कम्युनिकेशन को ना होना। तो भले ही ये अभी आप लोग दोनों कम्युनिकेट में नहीं हो, है ना, आप लोग के बीच में शायद बातचीत बंद है, आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक करके बैठे हो, उन्होंने ही हो सकता है किया है ज़्यादातर केसेस में, है ना। तो इन्हें लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेट बंद है, तो इन्हें लगता है कि आपको किसी और के साथ भी कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। इनकी फीलिंग्स ये है, ओके, कि आप किसी और से बात मत करो, कम्युनिकेट मत करो, इनको ये लगता है। और जब आप किसी और के साथ कम्युनिकेट करते हो, बातचीत करते हो, तो इन्हें बहुत ज़्यादा ही इस बात से दर्द होता है, दुख होता है। अब यहाँ पर मैं कुछ और बातें करती हूँ गाइस, जैसे कि देखिए ये इंसान यहाँ पर एट ऑफ जो पेंटिकल्स आया है, ये इंसान कुछ ना कुछ करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग यहाँ पर ये हो रही है गाइस, कि ये इंसान जो भी है आपके पर्सन, ये आपके और इनके रिश्ते को लेकर कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं गाइस, कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पर, ओके? रिश्ते में जो भी खटास आई थी, या फिर रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के, यहाँ पर टावर मूवमेंट तो आ चुका है गाइस, देखिए, है ना, आप दोनों के रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आ चुका है ना। तो इस टावर मोमेंट के बाद इस इंसान में कुछ ना कुछ चेंजेस आता हुआ मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। यहाँ पर देखिए डेथ का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड दिखाता है कि ये इंसान अपने आप को बदल रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, इनमें कोई बहुत ही अच्छा बदलाव आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कि पुनर्जन्म कहते हैं ना गाइस, कि एक इंसान की सब खराब आदतें छोड़कर अगर कोई इंसान अपने आप को सुधारता है, चेंज करता है, तो उसे कहते हैं पुनर्जन्म। तो इस इंसान में भी कोई एक बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस ये इंसान अपने आप में कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, है ना। तो इन सब चीज़ों से नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं। इनका ये मेहनत जो ये कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत से व्यूअर्स आप जो हो उनमें से बहुत से
लोगों के पर्सन जो है कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर अपने आप को कुछ बदल कर आपके पास आने की कोशिश भी यहाँ पर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, कुछ ना कुछ अच्छा ये करने की सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है, उनकी इच्छा यही है कि मैंने ये क्यों कहा कि ये चेंजेस कर रहे हैं, अपने आप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कुछ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका सपना है। कप्स की एनर्जी आई है, इनका सपना है कि ये आपके साथ कोई एक अच्छा सा रिलेशनशिप बनाए, आपके साथ एक घर बनाए, आपके साथ ही ये सपने देख रहे हैं गाइस। ये जो इनकी विश है वो आपके साथ है। जो रिलेशनशिप आपका यहाँ पर फोर ऑफ सोर्स ने क्लियर कर दिया है कि ब्रेकअप हुआ है, तो ये इसे फिर से बदलना चाहते हैं, फिर से सुधारना चाहते हैं। ओके, तो इन सब के लिए इनकी मेहनत जारी है, मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमारा आज का सवाल है गाइस, आप अगर किसी और के साथ है ना बातें करते हो, अगर किसी और के साथ फ्रेंडशिप करते हो, किसी और के साथ डेट पे चले जाते हो, या कुछ भी ऐसा कुछ करते हो, अगर आप इनको जलाने के लिए दिखाने के लिए, तो ऐसा मत किया कीजिए क्योंकि आपके पर्सन ना बर्दाश्त नहीं कर पाते, और हो सकता है कि वो आपसे तो कुछ कहते नहीं होंगे क्योंकि आप लोग शायद नो कांटेक्ट में हो, है ना। पर ये इंसान क्या करते हैं, उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, तो हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों के पर्सन कुछ गलत काम भी करते होंगे। ओके, यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, तो ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि वो शराब वगैरह लेते होंगे। ओके, इनको इतना गुस्सा आता होगा जब ये किसी और के साथ आपको देखते हैं, तो शराब वगैरह पीना, कोई नशा करना शुरू कर देते होंगे, तो ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पर। ओके, और हो सकता है कि कभी-कभी जब ये ड्रिंक्स करते होंगे, है ना, इनको गुस्सा आता होगा, तो कभी-कभी आपको हो सकता है कि बाय मिस्टेक ये कॉल भी कर देते होंगे, मिस कॉल आ जाता होगा इनका, है ना। तो तब समझ लेना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा या तो नशे में है, या इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ओके, अगर इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया है, ऐसा कुछ हिंट्स अगर ये देते हैं, तो ये सब एक साइन होता है कि इंसान आपको याद कर रहा है, आपके लिए तड़प रहा है, आपको याद कर रहा है। ओके, तो इसी वजह से भी बहुत से लोग जो है आपके पर्सन जो है वापस भी आ रहे हैं। देखा है मैंने भी, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, है ना, कि मेरे पर्सन आ गए हैं, दीदी थैंक यू सो मच, मेरे पर्सन ने अनब्लॉक कर दिया है, मेरे पर्सन मिलने आए हैं, इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, तो देखकर खुशी भी होती है ना। तो इसका मतलब होता है कि कुछ लोग हैं जो अपने रिश्ते में काम करके सुधर कर वापस आ चुके हैं, कुछ लोग अभी भी इस रीडिंग से पता चलता है कि अपने रिश्तों को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं ना। तो देखिए सवाल वही है और जवाब भी आपको मिल गया है गाइस, कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हैरान हो जाते हैं जब ये किसी और के साथ आपको देखते हैं। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है, तो जी हाँ, आपके सवाल का जवाब यही था कि आपके पर्सन को बहुत दर्द होता है, उनको लगता है कि बहुत आपने कुछ गलत कर दिया है ना, इनके साथ बहुत गलत कर दिया, किसी और के साथ रिश्ता बनाकर या किसी और के साथ क्लोज होकर, किसी और को ज़्यादा वैल्यू देकर, है ना। तो इनके लाइफ में उनको लगता है कि बहुत ही बड़ा आपने कुछ बखेड़ा कर दिया है टावर है ना, इनको लगता है कि कुछ टूट गया है, कुछ इनका दिल तार तार हो जाता है, इनको बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है, और उस दर्द को भुलाने के लिए डेविल बन जाते हैं, कभी नशे का सहारा लेते होंगे, है ना, कुछ गलत करते होंगे, आपको भी फिर से जलाने के लिए किसी और के साथ फोटो डाल देते होंगे, स्टेटस वगैरह डाल देते होंगे कि बहुत खुश हूँ, ऐसा वैसा, है ना। तो ये सब चीज़ें बचपना करते रहते होंगे, आप दोनों ही करते होंगे गाइस, मैं सिर्फ उन्हें नहीं कहूँगी, आप भी अपने पर्सन को जलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते हो, मुझे मालूम है तो यही थी गाइस आप सबके लिए रीडिंग, और मैं यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी उनकी तरफ से देख लेना चाहती हूँ गाइस। ओके, क्या कुछ कहते हैं वो, रीडिंग से तो आपको क्लियर हो गया कि वो कितना जलते हैं, है ना। तो पहला मैंने जैसे कि कहा था कि ये इंसान अपने आप पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं वापस आने के लिए, अपने आप को सुधार रहे हैं, बहुत मेहनत करते हुए मुझे नज़र आए हैं जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए, ट्रस्ट एंड लव आई एम कमिंग, इन्हें ये आपसे कह रहे हैं कि भरोसा और प्यार होना चाहिए, है ना, भरोसा यहाँ पर आप इन्हें लगता है कि आप इनका भरोसा तोड़ रहे हो, किसी और के साथ क्लोज हो रहे हो, तो ये कह रहे कि भरोसा और प्यार होना चाहिए, मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ, आई एम कमिंग। देख लिया गाइस, पहला मैसेज उनका ये आया है।
यहाँ पर एक सवाल है आपके लिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि काश तुम जिद ना करते, तो आपने ऐसी कौन सी जिद कर दी थी गाइस? कुछ तो जिद की थी जिसको ये मान नहीं पाए और आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि ब्रेकअप तो हुआ है गाइस। फिर से कंप्लेन, तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगी। इन्हें तो आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है गाइस कि तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगी, काश तुम जिद नहीं करते, प्यार और भरोसा करो, मैं आ रहा हूँ, है ना? तो यही सब मैसेजेस उन्होंने आपके लिए भेजे हैं गाइस। आई होप आपको पसंद आए, मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा आज का टॉपिक, और मैं अभी रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपसे मिलूंगी फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये जस्टिस का कार्ड, अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग गाइस, और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन को जलन होती है अगर आप किसी और से बात करते हो या आपको किसी और के साथ देख लेते हैं, तो कैसा फील करते हैं वो, जलस फील करते हैं या नहीं। ओके, बहुत ही क्यूट टॉपिक है गाइस आज की। आप मेरे व्यूवर्स बड़े क्यूट हो, बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक ढूंढ ढूंढ के लाते हो। चलिए गाइस, मैंने कर लिए कार्ड्स की शफलिंग, अब निकालते हैं यहाँ से कुछ कार्ड्स और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन जेलस फील करते हैं। ओह माय गॉड, फोर ऑफ कप्स। हंसी आ गई। द फूल, एस ऑफ वैंस, ओह माय गॉड, टेन ऑफ सो टेन ऑफ सोर्ड्स। इतना इतना सारा जल भून के कोयला। फाइव ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन तो बहुत खतरनाक है भाई, जो भी है बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस। ओ माय गॉड, देख लीजिए। फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, और ओ माय गॉड, फोर ऑफ सोर्ड्स। चलिए अब बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है गाइस? थ्री ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग गाइस। रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ साइन और एलिमेंट बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी जो आई है वो है फायर साइन है गाइस। यहाँ पर लियो सेजिटेरियस यानी कि सिंह, धनु और मेष राशि। उसके बाद में यहाँ पर एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यानी कि मिथुन तुला कुंभ राशि। यहाँ पर वाटर साइन और अर्थ साइन भी है, ये थोड़े कम आए हैं। ओके गाइस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि। ओके, ये भी आए हैं, थोड़े हैं। तो आज का जो हमारा सवाल था गाइस, कि क्या आपके पर्सन आपको किसी और के साथ देखते हैं तो क्या वो जलते हैं, उनको जलन होती है? तो इस पर मुझे एक शायरी याद आ गई। और मैं ये शायरी आपसे सुनाना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए। ओके, और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सुनिए, ये आपने आपके लिए ये शायरी। ओके, कि आप ऐसा करते हो। सुनिए, चलो आज फिर थोड़ा मुस्कुराया जाए, चलो आज फिर थोड़ा मुस्कुराया जाए, बिना माचिस के कुछ लोगों को जलाया जाए। यही करते हो ना आप गाइस? यही करते हो आप, अपने पर्सन के साथ जला रहे हो उनको। तो यहाँ पर देखिए, कहने की कोई जरूरत नहीं है, जितने भी कार्ड्स निकले हैं आपके सामने निकले हैं, है ना?
तो आपके पर्सन देखिए किस हाल में है, उनकी हालत खराब हो जाती है जब वो आपको किसी और के साथ देखते हैं, है ना। यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स नजर आ रहा है, आप दोनों में ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग दूर हो चुके हो, कुछ इमोशनल डिस्टेंस यहाँ पर आप दोनों के पास्ट रिलेशनशिप में नजर आई है, इसीलिए ये कार्ड यहाँ पर निकला है। ओके, आपके रिलेशनशिप स्टेटस को दिखाने के लिए ये कार्ड निकला है। अब यहाँ पर देखिए आपके पर्सन, जो पहला हमारा कार्ड निकला था फोर ऑफ कप्स का, तो मैंने हंसना शुरू कर दिया था, है ना। ये मैं इसलिए मैंने हंसना शुरू किया था गाइस, क्योंकि देखिए आपके पर्सन इतने ज़्यादा उन्हें एक डर सता रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ, किसी और का ऑफर ना आप एक्सेप्ट कर लो। देखिए ये दिखाता है ऑफर को कि कोई ऑफर दे रहा है और आप हाथ बांध कर बैठे हो, है ना। ऐसा दिख रहा है ना कि ऑफर को नहीं ले रहे, तो आपके पर्सन को भी अभी इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि कोई आपको ऑफर कर रहा है। ओके, और आप शायद इसे ले लो या ना ले लो, इसी कसमकस में आपके पर्सन मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। उन्हें इस बात का बहुत डर है कि कहीं आप किसी और के साथ डेट ना करने लग जाओ, आप किसी और के साथ फ्रेंडशिप ना कर लो, किसी और के साथ घूमने ना चले जाओ, है ना। हो सकता है कि आपको ये स्टॉक करते होंगे, देखते होंगे, है ना, और तब अगर आपको किसी और के साथ देख लेते हैं तो इनके दिमाग में ये एक नेगेटिव थॉट चलने लगती है। ये क्या है कि आप किसी और का ऑफर ना एक्सेप्ट कर लो कहीं। ओके, कहीं आप कोई बेवकूफी भरा कदम सॉरी टू से, कहीं आप कोई बेवकूफी भरा कदम ना ले लो। द फूल का कार्ड आया है ना, वो ये सब आपके बारे में सोच रहेगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे आप इल्जाम नहीं लगाना, ठीक है आपको बेवकूफ आपके पर्सन बोल रहे हैं यहाँ पर रीडिंग में, ठीक है। सुनिए, उन्हें लगता है कि आप कहीं कोई बेवकूफी ना कर दो, किसी और के साथ बिना सोचे समझे रिलेशनशिप में ना चले जाओ, किसी और के साथ रिश्ता ना बना लो, है ना, किसी और के ऑफर को एक्सेप्ट ना कर लो, कोई भी ऐसी बचकानी कोई हरकतें ना कर दो। उन्हें इस बात का बहुत डर लग रहा है गाइस, ये दोनों कार्ड से आप देख लीजिए उनकी फीलिंग्स को, उनके थॉट को। यहाँ पर देखिए दो दो पेनफुल कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स और ये 5 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा दुखी है ना, और ऊपर से एक तो ये ब्रेकअप से परेशान है, हैरान है, परेशान है, दर्द में है, देखिए इस ब्रेकअप की वजह से। और ऊपर से आपको अगर ये किसी और के साथ देख रहे हैं अभी, है ना, तो उनकी हालत तो और भी खराब हो रही है, और भी बदतर हो रही है गाइस। इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही सैड एनर्जी में है। इन्हें लगता है कि इनकी चीज़ कोई गुम हो गई है और इन्हें लग रहा है कि कोई उसे अब चुरा कर ले जाएगा। इस टाइप की एनर्जी में है आपके पर्सन, बहुत ही हर्ट फील करते हैं जब आपको किसी और के साथ ये देखते हैं गाइस। इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इन्हें गिल्ट होता है कि बेवजह मैंने रिलेशनशिप तोड़ी, बेवजह मैं दूर हो गया या दूर हो गई, बेवजह मैंने बेवकूफ़ी की, बेवजह मैंने ब्रेकअप लिया। तो इन सब का एहसास इस इंसान को बहुत होता है जब ये किसी और के साथ आपको देखते हैं, और ये हो जाते हैं जैसे यहाँ पर काले नजर आ रहे हैं ना, वैसे ही जल भून के काले कोयले हो जाते हैं आपके पर्सन समझ गए। देखिए यहाँ पर 5 ऑफ वैंड, बहुत ज्यादा इनका मन होता है कि, है ना, आप जिस जिस से बात करते हो, आप जिस जिस के साथ चैट कर रहे हो या किसी और के साथ फोटोज़ वगैरह डालते हो फेसबुक में, सोशल साइट्स पर, तो इनका मन करता है जाकर सबके साथ लड़ाई कर लो, उन सभी के साथ लड़ाई कर लो जो जो आपके साथ इन्हें नज़र आता है ना। बहुत मन करता है इनका लड़ाई झगड़े करने को, पता नहीं करते भी होंगे आपके पीठ पीछे, आपको क्या मालूम। किसी और के साथ झगड़ा करते होंगे कि इसके साथ तुम क्यों बात कर रहे थे, इसके साथ मैंने तुम्हें देखा है, हो सकता है कि आपको नहीं पता। डिस्कस करते होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो उनके साथ करते होंगे, झगड़ा करते होंगे, और अगर नहीं भी करते होंगे तो मन बहुत करता है कि जाकर सबके साथ लड़ाई झगड़े कर ले, है ना, ऐसा मन करता है। देखिए कितना, कितने गुस्से में है, देखिए यहाँ पर कितने गुस्से में है, एक से नहीं कितने लोगों से झगड़ा करने का इनका मन हो रहा है, जिसके साथ भी वो आपको देखते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये इंसान अभी भी, इनकी चाहत है कि ये आपके पास वापस आए। ओके, आपके पास आए, एस ऑफ वैंड्स यहाँ पर दिखा रहा है कि ये आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ ही सब कुछ देख रहे हैं ये इंसान। ओके, इनकी बहुत इच्छा है, पर जैसा कि
घमंड भी है इस इंसान में, आपके जो पर्सन है घमंड है। और जिस इंसान में, एक बात मैं आपको कहती हूँ गाइस, जिस इंसान में घमंड होता है ना, उस इंसान में थोड़ी जेलसी ज़्यादा होती है। मैंने ये थोड़ा ऑब्जर्व किया है कि घमंडी इंसान में थोड़ा जेलस ज़्यादा भी होता है। तो यहाँ पर फाइव ऑफ वैंड से नज़र आया है कि आपके पर्सन में ईगो है, घमंड है, जेलसी है, इसी वजह से वो आपके सामने झुकते नहीं हैं, आपको बताते नहीं है कि उनको कितना बुरा लगता है जब आप किसी और के साथ बात करते हो या आपको किसी और के साथ देख लेते हैं, है ना, पर बताते नहीं है। ईगो भी है इस इंसान में, है ना। तो देखिए अभी भी यहाँ पर इतना बॉटम ऑफ द डेक में थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। थ्री ऑफ वैंड्स यही दिखा रहा है कि ये इंतज़ार अब भी कर रहे हैं, आपके आपके ही कॉलर मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हैं। ये खुद नहीं झुकना चाहते, ये खुद आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते, ये चाहते कि आप झुको और आप आकर इनसे बात करो, है ना। इन्हें ये लगता है, इनकी फीलिंग्स, डीप फीलिंग जो दिल में ये है कि आप ही किसी तरीके से इन्हें कांटेक्ट करो, ये चाहते हैं, समझ गए। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी इंतज़ार कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें यू नो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ ग्रोथ का इंतज़ार करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी इंतज़ार ही इनका नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी इनका इंतजार ही नजर आ रहा है, यानी कि ये इंसान आपका इंतजार कर रहे हैं कि पहल आपकी तरफ से हो। इन्हें बहुत डर है, जिन्होंने भी पायल नंबर टू चूज किया है, इस इंसान को बहुत ज्यादा आपको गुम करने का, आपको लूज करने का इन्हें बहुत ज्यादा डर सता रहा है। भले ही ये अभी आपके साथ ना हो, है ना, दूर है, पर है तो बहुत ही ज्यादा जेलस, जल गए हैं बुरी तरीके से, जल गए हैं गाइस। तो हमारा जो सवाल था आज का जवाब, उसका आपको मिल गया होगा गाइस कि हाँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जलते हैं। जलते ही नहीं, यहाँ पर तो सब मिक्स इमोशंस हैं इनके, देखिए जलते भी है, बहुत ज़्यादा दर्द में भी है, दर्द होता है इनको जब आपको, आपके साथ किसी और स्कोर को देखते हैं, और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं, एटीट्यूड है, झगड़ा करने का मन होता है। आपके साथ भी इन्हें बहुत झगड़ा करने का मन होता है गाइस, कि कॉल करूं और झगड़ा करूं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पर नहीं करेंगे क्योंकि घमंड में चूर है, आपके ही कॉल और मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं ये। कुछ मैसेजेस देखना चाहूंगी यहाँ से, देखते कुछ निकल कर आता है। होप वी विल मीट सून, तो ये कह रहे हैं गाइस, जैसा कि यहाँ पर ये इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, है ना, मैंने कहा कि ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने वही सेम मैसेज दिया है कि हम जल्द ही मिलेंगे, उम्मीद करते हैं कि हम जल्द ही मिलेंगे। ओके, इनका ये मैसेज आपके लिए है। आई एम सॉरी आई मेड एवरी थिंग कॉम्प्लिकेटेड, तो ये आपसे माफ़ी भी चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने चीज़ों को बहुत हद तक ख़राब कर दिया, तो मेरी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। ओके, ये कह रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पर नज़र तो आ रहा है कि ब्रेकअप हुआ है आप दोनों में, है ना, तो इसके वजह से वो माफ़ी मांग रहे। हो सकता है कि पायल नंबर टू जिन्होंने चूज़ किया है, आपके पर्सन की तरफ से ही ब्रेक हुआ है आपका रिलेशनशिप, ऐसा नज़र आ रहा है गाइस। बहुत ही सैड एक मैसेज आया है गाइस, जो यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, है ना। सब है आसपास, बस तुम नहीं हो, तो इसीलिए ये इतना ज़्यादा सैड है। मैंने कहा था कि नहीं लगता है कि कुछ चीज़ गुम हो गई है इनसे, है ना। फाइव ऑफ कप्स बहुत सैड एनर्जी होती है, तो ये यही कह रहे, जो कार्ड में आया है वो यही कह रहे हैं कि तुम नहीं हो मेरे पास, बाकी सब है इनके आसपास, बस तुम नहीं हो। ओके, तो गाइज यही थी उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस और बहुत ही प्यारी सी रीडिंग। तो जो हमारा सवाल था उसका आंसर यही है कि वो जलते हैं, जलते ही नहीं, बहुत ज़्यादा सैड भी हो जाते हैं जब किसी और के साथ आपको वो देखते हैं। ओके, सो आई होप गाइज आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, मैनिफेस्टेशन करते रहना, और यहाँ पर जो उनका इंतज़ार नज़र आ रहा है, खुद से कॉल नहीं करना है गाइज। ओके, अगर ब्रेकअप उनकी तरफ से हुआ है तो खुद से कॉल नहीं करना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को और सेल्फ स्टीम को ज़्यादा गिरने नहीं देना है, ठीक है। आप इंतज़ार करो कि वही उनकी तरफ से ही पहल हो, अगर उन्होंने ये ब्रेकअप लिया है आपसे तो। ओके, इसी एडवाइस के साथ अभी रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय।